सब बाजे छे ने ओकर साफे आवाजे बैठ जाय छे। हां की बात छे बोलियो ना बजा वाला घर घर लेस्ते आवाज बचाय का बबुआ के सुने मैं आपका मर्जी जो करे विदा कर सके ए जी ठीक है चलती हूं मैं विदाई की तैयारी करो हंस के विदाई की तैयारी करो लिखने वाले महाराणी।
ये हमने चलते चलते कहां पहुंची हूं? महारानी, यहां से विक्रमपुर शहर का सीमा समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, और ये अपना उत्तमपुर शहर का सीमान है महारानी। ये उत्तमपुर शहर का सीमान है? हाँ महारानी। स्वामी जी, हेलो स्वामी जी, मैं इसी उत्तमपुर सीमान पे आपसे मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ। आप जरा डोली को रुकवाइए। महारानी, बातें तो तू मेरे साथ डोली में भी कर सकती है, तो डोली को रोकने को क्यों कर रही है? क्या है कि आपस में बातें करने के लिए मन है, तो क्या डोली को रोकना पड़ेगा? सुनो खार भाइयों, डोली को रोक दो। महारानी ने डोली को रोक दिया। कहो क्या कहना चाहती है? स्वामी जी, मैं कहने के लिए ही चाहती हूँ कि मैं नई निवेली दुल्हन, मैं आपकी महल जा रही हूँ। हाँ महारानी, मैं आपकी महल के बारे में जानना चाहती हूँ कि आपकी महल में कितने सदस्य रहा करते हैं। महारानी, सोच रहा था मैं इस बात को, तू जो पूछ रही है, अच्छा किया महारानी जो तू मुझसे पूछ लिया। हवेली में मेरी नौड़ी वाणी महामंत्री है, एक मैं हूं और एक तुमसे बड़ी बड़ी महारानी, जो तुम मुझे सौतन लगेंगे। महारानी, बड़ी महारानी सिर्फ कहने की सौतन है, हवेली में चल करके उसके प्यार को तू देखोगी तो वो तुम्हें सौतन नजर नहीं आई। लेकिन स्वामी जी, जब उस महल में पहले से बड़ी दीदी रहा करती है, तो फिर आप मुझसे शादी क्यों किए? महारानी, इसका भी वजह। क्या वजह? संसार में विधाता ने धन दौलत सोना चांदी हीरे जवाहरात तो दिया, लेकिन हवेली में महारानी को रहते हुए भी हाँ, एक भी पुत्री या पुत्री का जन्म नहीं हुआ। इसीलिए महारानी के कहने के अनुसार एक बच्चे के लिए मैं तुम्हारे साथ दोबारा शादी किया। ये तो बहुत खुशी की बात है स्वामी जी। उस महल में आपका सुख प्यार मिलना चाहिए, शुभ आशीर्वाद मिलना चाहिए, तो मैं उस महल में एक पुत्र की जन्म अवश्य दूंगी। हाँ महारानी। क्या हुआ महारानी? मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। प्यास लगी तो महारानी विलंब क्यों कर रही है? चलो जल्द से डोली में बैठ जाओ, मैं तुम्हें दरबार में ले चलकर चलता हूँ, और मैं वहां ले जाकर के तुम्हें जी भर करके पानी पिलाऊंगा। स्वामी जी, कहीं हम लोग यहाँ से महल चली जाऊंगी तो न जाने महल के सरा सदस्य सभी उस टाइम बीत भवनों में लग जाएंगे, तो उस टाइम पानी कौन पिलाएंगे? मैं पानी की भी तो महारानी, मैं इस समय अपने शिवान पर पानी कहां से लाऊं? कहीं से भी लाइए, जल्दबाजी में लाइए स्वामी जी। मैं पानी नहीं, महारानी भगवान के लिए मरने की बात मत करो। जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जल्दबाजी में पानी आने महारानी, इसी जगह तू मेरा इंतजार करो, जा करके बैठ जा वृक्ष के सामने, और मैं जा रहा हूं कहीं से पानी ढूंढ कर आसमान पर। ठीक है ठीक है, मैं बैठती हूँ, आप जल्दबाजी में आएंगे। भैया जी।